मामला हमीरपुर से आ रहा है, जहां दो बहनों को विषैले सांप ने काट लिया है। मामला जनपद हमीरपुर के भीमवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम निवादा का है, जहां पर सोते समय दो सगी बहनों को एक सर्प ने काट लिया, जिससे एक की मौत हो गई जबकि दूसरी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी दोनों पुत्रियों ने रात में खाना खाकर सोने के लिए चली गई थी। दोनों ही बहनें एक दूसरे के साथ सो रही थी कि तभी दोनों बहनों को सर्प ने काट लिया। जब सुबह देखा तो दोनों ही अचेत अवस्था में थी। जब देखा गया तो एक की मौत हो चुकी थी जबकि दूसरे को अचेत अवस्था में स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने देखा कि मृतक के शरीर में व दूसरी जीवित व अचेत किशोरी के शरीर में सर्पदंश के निशान बने हुए हैं। घर वालों को समझने में देर नहीं लगी कि आनन फानन में अचेत पड़ी किशोरी को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर इलाज जारी है, जबकि दूसरे की मौत हो चुकी है। परिवार जनों ने घर में छिपे सांप को ढूंढकर मार दिया, लेकिन उनके घर की एक ज्योति बुझ चुकी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।